स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास फर्स्ट यूनिट टू पोयम आफ्टर द बाथ, नहाने के बाद। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टॉयस एंड टू वेट लेग्स एंड शाइनी नोज। यहाँ पर एक बच्चा है, वो नहाने के बाद क्या करता है वो ये इसमें बता रहा है। वो कह रहा है, बच्चा कह रहा है, चाइल्ड कह रहा है कि नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को सुखाने की। तब तक सुखाता हूँ, तब तक पोछता हूँ जब तक कि मैं सूख नहीं जाता, और अपने हाथों को सुखाता हूँ, पोछता हूँ, फिंगर्स को, फिंगर्स हाथों की उंगलियों को कहते हैं, टॉयस कहते हैं पैर की उंगलियों को। तो वो पैर, हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को भी सुखाता है, और अपनी गीली टांगों को भी सिखाता है, और अपनी शाइनी नोज़ को भी सुखाता है। जब नोज़ पे पानी पड़ता है तो वो चमकने लगती है, तो वो अपनी नोज़ को भी सुखाता है। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई डिड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक शेक शेक। वो सोचता है कि मेरे को कितना कम समय लगेगा पहुँचने में। वो देखता है कि अगर मैं डॉग होता तो मैं क्या करता, शेक 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 करता। आपने कभी किसी डॉगी को देखा है, अगर उसको नहलाया जाता है तो अपने आप ही ज़ोर से झटके से अपनी बॉडी को हिलाता है, शेक करता है, और उसका सारा पानी सूख जाता है। तो बच्चा कह रहा है अगर मेरी भी बॉडी उसी तरह की होती तो मैं कितनी जल्दी सूख जाता, और उसको टॉवल से बहुत टाइम लग जाता है। अभी हम देख लेते हैं इसके न्यू वर्ड्स को। डॉग हाउ मैट ट्राई टू। डॉग क्या होता है, डॉग आपने सभी ने देखा है, एन एनिमल दैट बार्क्स एंड इज ऑफन कैप्ट एज ए पेट। डॉग क्या होता है, जो भौंकता है और उसको हम एज ए पेट अपने पास रखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, दिस इज माई पेट डॉग रैक्स। आपके जो भी डॉग का नेम हो आप उसका नाम दे सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस, दैट डॉग इज़ वेरी बिग इन साइज। जो सेकेंड वर्ड है वो है हाउ, ए वर्ड यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। हाउ माने होता है कैसे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हाउ आर यू टूडे, आज आप कैसे हैं। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैट, पास्ट टेंस ऑफ मीट। ये मीट वर्ड की पास्ट फॉर्म होती है, उसका मीनिंग होता है मिला। मीट माने होता है मिलना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल अपने फ्रेंड से मिला। आई मेट माई फैमिली डॉक्टर ऑन मंडे, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से मंडे को मिला। नेक्स्ट वर्ड है ट्राई, टू डू समथिंग विथ सम एफर्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस, ट्राई माने होता है कोशिश करना। आई विल ट्राई टू फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश करने की कोशिश करूँगा। आई ट्राई टू प्ले पियानो एवरी डे, मैं पियानो एवरी डे बजाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है टू, द नंबर दैट कम्स आफ्टर वन एंड बिफोर थ्री। टू क्या होता है, टू मीन्स होता है दो, जो नंबर वन के बाद आता है और थ्री से पहले आता है। लाइक दिस, वन टू थ्री टू। टू क्या होता है, ये वन के बाद आता है और थ्री से पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस, आई हैव टू लेग्स, There are two eggs in a bag. मेरे पास मेरी कितनी टांगे हैं, दो टांगे हैं, और बैग में कितने एग्स हैं, टू। अभी हम करेंगे चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स। डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से वाई। क्या आपको नहाना पसंद है, क्यों पसंद है। कैन यू बाथ योर सेल्फ, क्या आप अपने आप नहा सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, तो आप अपने आप को कैसे सुखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर,
हाव यू सीन, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट्सेल्फ? क्या आपने किसी डॉग को अपने आप देखा है जो अपने आप को खुद से सुखा रहा हो? तो इसमें फर्स्ट का आंसर कैसे देंगे? यस, आई लाइक टू टेक बाथ बिकॉज इट कीप्स मी क्लीन एंड हेल्दी. यस, मुझे नहाना पसंद है क्योंकि ये मुझे साफ रखता है और हेल्दी रखता है. और सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कैन यू बाथ योर सेल्फ? यस, आई कैन टेक बाथ माई सेल्फ. तो मैं अपने आप से नहा सकता हूँ. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू ड्राई योर सेल्फ? आई ड्राई माई सेल्फ विद अ सॉफ्ट टॉवल. फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इट सेल्फ? यस, आई हैव सीन अ डॉग ड्राइंग इट सेल्फ. डॉग अपने आप जब नहा के आता है तो अपने आप को शेक शेक करके ड्राई कर लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पुट एन ओवल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर ए बाथ. थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई. आप क्या करते हैं जब नहा के आते हैं? उसके बाद अपने जो टॉवल को नीचे फेंक देते हैं या फिर उसको सुखाने के लिए टांग देते हैं. हैंग माने होता है टांगना. तो आप क्या करते हैं? तो उस पर क्या कर देना है? ओवल बना देना है और इस पे कर देना है क्रॉस, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते होंगे. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डू यू वियर दीज थिंग्स? ड्रॉ लाइन फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनी हैं, आपको एक लाइन खींचनी है उनकी स्पेलिंग के साथ. ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट नंबर पे आपने इसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया होगा. तो ये क्या है? ये है ट्राउजर. इसको ट्राउजर से मैच कर देंगे. और ये क्या है? ये हैं शूज़. शूज़ को शूज़ के साथ मैच कर देंगे. ये क्या है? येलो कलर का शर्ट. इसको शर्ट से मैच करेंगे. और ये क्या है? शॉक्स हैं. और व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कैप. और ये क्या है लास्ट में? ये बेल्ट है. इसको हम बेल्ट के साथ मैच कर देंगे. इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. नीडल को थ्रेड से मैच किया गया है. नीडल को बोलते हैं सुई, थ्रेड धागा. बैट को किससे मैच करते हैं? बॉल से. और शॉक्स को शूज से. शर्ट को शर्ट से. और बाउल को स्पून से. आप बाउल और स्पून में क्या खाते हो, ये मुझे लिखकर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में. खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू नो? ईट बोलते हैं. ठीक है,